अब चोरी करके भी लालू प्रसाद यादव घर में है, चीफ मिनिस्टर कहता है, तो ऐसा चोर बन के हम तो जो है चोर बन के एगो कुतुबों के सामने न जाएंगे साहेब। फूकने वाला को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया था पिछला बार, कहता पता है बेलडमरू भैया, क्या कहता बेलडमरू पप्पू यादव, हाँ महिला कार्यकर्ता जो है वो अभी बेलडमरू भैया बोली है। PSS का मतलब दारू सप्लाई सेवा, दारू सप्लाई सेवा, हाँ दारू सप्लाई सेवा या सर्विस, इसको जो सर्विस ये वन कर देंगे दारू सप्लाई में। कैसे कर सकते आप, देखे हैं प्रूफ है इनका, DSS देखे हैं उसका प्रूफ है, DSS का पहले मान्यता ले लें। साइकिल पंचर क्या बार हुआ हो, इतना बड़ा इतना दूर का? एक बार भी साइकिल पंचर मेरा नहीं हुआ है, एक बार खाली चैन ढीला हुआ था। हम विरोध जो किए हैं हमारे बाबा के ऊपर उंगली उठाए हैं, तो हम तो इनके ऊपर सबसे हाथ उठाएंगे साहब, मतलब बदल दिए हैं। छोटा मिनिस्टर कह दीजिए, चुपचाप मिनिस्टर कह दीजिए, जो जब जब हमारी बिहार संकट में होती है ना तो इनका बोलती है बंद हो जाता है। नीतीश कुमार का जो नीति है आज के डेट में, नीतीश कुमार तो कुछ बोलवे नहीं, जूता खाने वाला नीति है, कैसे नहीं बोले? जब मीडिया वाले बोले तो बोल तो एकदम मंत्री मुख्यमंत्री का नामवे चेंज कर दिए हैं। CM का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर है, आई चुपचाप मिनिस्टर है। ये जब घिर गए थे तो ये खुद रो रहे थे, ऐसे ऐसे करके रो रहे थे, बिल्कुल लग रहा था कि वो सही में रो रहे हैं। लेकिन उनका ढोंग पता चल गया आज लोगों को कि जनता के लिए नेता इतना आंसू घड़ियाली आंसू कैसे निकाल लेते हैं। जिसके सर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है, अर्जुन के भी ध्वज लगा हुआ था, तो 100 भाइयों वाले सेना को जो कृष्ण का भी सेना लेके चला गया था, उस सेना से लेकर के सभी महानुभाव को इसी झंडा के नीचे जो है सो उन्होंने परास्त करने का प्रयास किया है। आप कहते हैं दुख और तकलीफ, ये तो तकलीफ हारने के लिए, दुख हारने वाले हैं ये। वीरेंद्र शास्त्री जी से मिलने का सौभाग्य तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनका दर्शन मात्र से ही हम सौभाग्यशाली हो गए। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट ऑफ एशिया न्यूज 24 देख रहे हैं। देखिए सामने जो अभी साक्ष आपको दिख रहे हैं, ये साइकिल से दिल्ली से चल करके पटना पहुंचे हैं, और सामने आपको ये देखिए, सामने तिरंगा, दो दो तिरंगा लगाए हुए हैं और दो दो हनुमान जी का ध्वज, मतलब कि हनुमान जी के नाम का जय श्री राम लिखा हुआ ध्वज लगाए हुए हैं, पीछे भी जय श्री राम लिखा हुआ एक भगवा झंडा लगाए हुए, मतलब ध्वज लगाए हुए हैं, और ऊपर दिखाइएगा ऊपर कृष्ण जी का मोर भी, मोर का जो पंख होता है उसको भी लगा करके यहाँ पर आए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं चांदपुरा चकमकरन का निवासी हूँ और नजदीकी शहर जो है सो हाजीपुर है। आपका मतलब गांव के नजदीकी शहर हाजीपुर? हाँ। अच्छा, तो क्या उद्देश्य से आप दिल्ली से चलते हुए लगभग 1100 किलोमीटर का दूरी तय करके पटना पहुँच जाते हैं? हम अपने सनातन धर्म के रक्षा करने वाले जो भाइयों को एप्रिसिएट करने के लिए, और जो विपक्षी जो थे, जो कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जो उंगली उठा रहे थे, उन विपक्षियों नेताओं पर को ये दिखाने के लिए कि एक सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति लाठी भी उठा सकता है, माला भी दिखा सकता है और भाला भी उठा सकता है। और आज हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को साबित करने के लिए इस नौबत कीपुर की पावन धरती पर 1150 किलोमीटर साइकिल चला करके आ करके मैंने इनको मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास किया है। साइकिल से आप दिल्ली से पटना आते तो मुंह तोड़ जवाब कैसे मिल गया? ये जो असंभव कार्य लग रहा है, इस असंभव कार्य को दिखा करके, बता करके, समझा करके, तब जो है सो मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है। वो लोग तो कह रहे थे कि बाबा देशद्रोही हैं, रेपिस्ट हैं और पता नहीं क्या क्या तक बोल दिए। वो लोग खुद ढोंगी है, स्टेज पे कुछ और, विधानसभा में कुछ और मीडिया के सामने कुछ और बोलते हैं, और पीठ पीछे सबका खंजर भोगते हैं। किसको खंजर नहीं भोगे? आप चले जाइए रघुवंश बाबू ऐसे विद्वान समक्ष जो जनता के जो अगुवाई करने वाले लोग इस पार्टी में रह करके, और इस पार्टी ने उनको क्या दिया? मरणसैया पर त्याग पत्र। तो ऐसे पार्टी को उंगली दिखाने का
आपका मन नहीं करता है क्या? आपसे एक सवाल होगा, आप दिल्ली से चल करके पटना आ गए है ना, और आप इसलिए आए कि विरोधियों को जवाब दें है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले कि नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने का सौभाग्य तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनका दर्शन मात्र से ही हम सौभाग्यशाली हो गए। अच्छा, छोटकी ये साइकिल पे थोड़ा सा साइकिल दिखाइएगा, इतना छोटा साइकिल से आप दिल्ली से यहाँ पहुँच गए, मतलब तकलीफ वकलीफ नहीं हुआ? जिसके सर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है, अर्जुन के भी धर्ज ध्वज लगा हुआ था, तो 100 भाइयों वाले सेना को जो कृष्ण का भी सेना लेके चला गया था, उस सेना से लेकर के सभी महानुभाव को इसी झंडा के नीचे जो है सो उन्होंने परास्त करने का प्रयास किया है। आप कहते हैं दुख और तकलीफ, ये तो तकलीफ हरने के लिए, दुख हारने वाले हैं ये। नेता उता बनने का चक्कर नहीं ना है, काहे कि आज लोग तो जो भी कुछ कर रहा है तो अपना लाइमलाइट के लिए, मतलब सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ वैसा काम कर देता है। ऐसा कुछ ध्येय मैं जब चला था उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है, और भगवान करे कि ये दुर्भाग्य जो है कि कभी सपोर्ट में, कभी सहयोग में, पप्पू यादव का ढुलमुल नीति देख ही रहे हैं 1990 से 1992 से लेकर के और RJD में 2009 तक, और उसके बाद अपना जनाधिकार पार्टी बनाने के बाद भी वो जो है सो उन्हीं का भाषा बोल रहे हैं। पूरे बिहार में उनको क्या कहा जाता है पता है? बेलडमरू भैया। क्या कहा था? बेलडमरू पप्पू यादव। हाँ, महिला कार्यकर्ता जो है वो अभी बेलडमरू भैया बोली है, अभी आज से 8-10 दिन पहले। अच्छा। हाँ, बेलडमरू है ही। अच्छा। ये जंतर मंतर पर गए थे ढोंग करने, आई जो ढोंग वहाँ किए उसमें पकड़े गए मुजफ्फरपुर वाले आंदोलन में, ये जब घिर गए थे तो ये खुद रो रहे थे, ऐसे ऐसे करके रो रहे थे, बिल्कुल लग रहा था कि वो सही में रो रहे हैं, लेकिन उनका ढोंग पता चल गया आज लोगों को कि जनता के लिए नेता इतना आंसू, घड़ियाली आंसू कैसे निकाल लेते हैं। लेकिन तब पर भी किसी को भी तकलीफ होता था, पप्पू यादव को खोजता है? पप्पू यादव को खोजता है कि चिराग पासवान को खोजता है? आज आप चले जाइए पूरे प्रदेश में घूम के देख लीजिए, रामविलास पासवान का बेटा जिस कार्यस्थली से हम आते हैं, उस कार्यस्थली में रामविलास जी ने जो जो दिया है आज हमको बता दे, ये मुख्यमंत्री बता दे कि उतनी उपलब्धि इस मुख्यमंत्री की है क्या? एक सवाल, आप नीतीश कुमार जी मतलब कि जदयू को पे निशाना साध रहे हैं, RJD के तेज प्रताप यादव पे साध रहे हैं, क्या आप पॉलिटिकल मुद्दा पे काम करना चाह रहे हैं या किसी आप जो विरोध किए हैं उनको जवाब देना चाह रहे हैं? हम विरोध जो किए हैं, हमारे बाबा के ऊपर उंगली उठाए हैं, तो हम तो इनके ऊपर सबसे हाथ उठाएंगे साहब। नीतीश कुमार का जो नीति है आज के डेट में, नीतीश कुमार तो कुछ बोलवे नहीं, जूता खाने वाला नीति है, कैसे नहीं बोले? जब मीडिया वाले बोले तो बोल तो एकदम मंत्री मुख्यमंत्री का नामवे चेंज कर दिए हैं। CM का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर है, आई चुपचाप मिनिस्टर है, चुपचाप मिनिस्टर, इन मतलब बदल दिए हैं, चुट्टा मिनिस्टर कह दीजिए, चुपचाप मिनिस्टर कह दीजिए, जो जब जब हमारी बिहार संकट में होती है ना तो इनका बोलती है बंद हो जाता है, नहीं बोलते भी हैं दो लाइन तो कहते हैं कि हैदराबाद वाला जो है ना जो केंद्र में बैठा हुआ है वही कर रहा था, आई जो 10-12 साल केंद्र वाला के साथ में बिता लिए हैं, और जंगल राज जो हटाने के लिए 2005 में जो माइंडेड दी सरकार, जनता सरकार नहीं जनता, मैं गलती बोल गया तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, जनता जो माइंडेड दी थी इनको 2011 के बाद ये क्या क्या किए हैं सो तो जनता के भी नज़र में है, आपके भी नज़र में है, और हम तो भोग ही रहे हैं हम लोग। तेज प्रताप जी DSS का गठन कर दिए थे, DSS को तैयार कर दिए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी को जेल भेजने के लिए तैयार थे, और एयरपोर्ट से घेराव करने वाले भी। और सिक्का का दूसरा पहलू है, पहला पहलू है DSS का मतलब दारू सप्लाई सेवा। हाँ, दारू सप्लाई सेवा या सर्विस, इसको जो सर्विस A1 कर देंगे दारू सप्लाई में। कैसे कर सकते आप, देखे हैं प्रूफ है इनका? DSS देखे हैं, उसका प्रूफ है। DSS का पहले मान्यता ले लें, हाँ पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, अगर इनकी सरकार है रजिस्ट्रेशन करा लें, और DSS को जब जब सनातन के सामने लाएंगे ना तो इनका DSS जो है ना VSS में बदल जाएगा, हाँ भुरकुस सेवा सर्विस हो जाएगा, भुरकुस सेवा सर्विस, हाँ VSS, हाँ भुरकुस सेवा सर्विस। तो कह रहे हैं RSS के पैरेलल में हम DSS को तैयार किए? अरे थोड़ा क्या है, RSS के जो जूता में जो धूल है उसके लायक तो ये आदमी खुद नहीं है,
उसका जो बना बना करके जो आया है ना अध्यक्ष पद, जो क्या नाम है, नाम तो भूल रहे हैं, जिसके मोहन भागवत, हाँ मोहन भागवत जी के चरणों के धूल के बराबर नहीं है ये पगलेट बा। हाँ ये नंबर वन का पगलेट है। इतना सरकार जो है ये ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री पद दे देता है, धूकने वाला को, फूकने वाला को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया था पिछला बार। आपका विरोध है, लेकिन पूरा जनता जो है वोट करके इनको जिताई है। राजपंथ है, तेजस्वी को मैंडेट दिया था कि बीजेपी को दिया था मैंडेट, बीजेपी जदयू को मैंडेट मिला था, ये जंगल राज को नहीं मिला था। कुछ भी करके सत्ता में बने हुए हैं ना जी, आजकल तो सब सत्ते में बने रहने के लिए करता है। अब चोरी करके भी लालू प्रसाद यादव घर में है, चीफ मिनिस्टर कहता है, तो ऐसा चोर बन के हम तो जो है चोर बन के एगो कुतुबों के सामने न जाएंगे साहेब। हाँ जेकर बापे चोर हो कर बेटा सब इतना इतना बड़का बात करता है, देख ही रहे हैं DSS BSS हो गया, आगे आने वाले समय में भी DSS जो है ना BSS ही नजर आएगा। चलिए बहुत विवादित बात कर लिए, राजनीतिक बात कर ली, अब एक सवाल पूछेंगे। अब दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे, कुछ लोग बोलेंगे कि झूठ बात है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, क्या सबूत है आपके पास कि आप दिल्ली से आए हैं? आप जिन महानुभाव को ये तकलीफ है उनको मैं अपना नंबर दे देता हूँ, दो दिन के बाद चालू भी नंबर हो जाएगा क्योंकि मेरा मोबाइल गुम हो गया था, ठीक है, तो मैं अपने मोबाइल सिम में प्रूफ रखा हूँ, ठीक है, फेसबुक व्हाट्सअप जब मेरा चालू होगा तो उन लोगों जो लोग हमको एप्रिशिएट किए हैं आते समय, उन लोगों ने वायरल किया है वीडियो। कहाँ रुके थे? जहाँ जहाँ हम रुके हैं आपको वहाँ आपको दिल्ली से चले अयोध्या जी, अयोध्या जी से मऊ होते हुए आपको ये बलिया होते हुए मैं नौबतपुर की पावन धरती। तीन चार स्टॉपेज में यहाँ पहुँच गया? नहीं नहीं, स्टॉपेज तो लगभग 10-7 दिन में 10-15-20-25 मतलब ऐसे तो रुकने का तो लगभग सैकड़ों बार मैं रुका हूँ, लेकिन 7 दिन में 6 जगह मैं आश्रय लिया, लोगों ने भरपूर स्वागत किया, भरपूर सहयोग किया, खाना खिलाया, आदर सत्कार किया, अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में गए थे सब अंधभक्त थे, तो आप भी अंधभक्त हैं क्या? अब एक बात बताइए, जब हम राम जी को जन्म लेते हुए नहीं देखे हैं, हनुमान जी को नहीं देखे हैं, और हम सनातनी इनको भगवान मानते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, तो जब हम नहीं देखे हैं तो इसको तो अंधभक्त ही बोलेंगे ना। और मतलब है अंधभक्त का मतलब है कि किसी का न सुनना, किसी का न समझना, किसी का बात नहीं बुझना, इसको भी अंधभक्ति ही कहते हैं कि हम इनके लिए चल दिए तो चल दिए, चलिए कर दिए तो कर दिए, कर दिए तो कर दिए, मर गए तो मर गए, अब इतना दूर में आते समय कोई दुर्घटना हो जाती मेरे साथ तो मर ही ना जाते, तो ये हमको गम नहीं था। साइकिल पंचर क्या बार हुआ हो इतना बड़ा इतना दूर का? एक बार भी साइकिल पंचर मेरा नहीं हुआ है, एक बार खाली चैन ढीला हुआ था, मैं साइकिल को भी प्रॉपर बनवा के चला था, कंडीशन में लेकर के चला था, 2-3 घंटे लगा मिस्त्री को बनाने में, और ये साइकिल इतना सॉफ्ट है आप जब चलाइएगा तो आपको भी महसूस हो जाएगा कि 1150 किलोमीटर में, और इनका जब गाना सुनिएगा ना, इनका जब भक्ति के बारे में सुनिएगा, राम जी का चरित्र के बारे में सुनिएगा मोबाइल पर, तो आपकी भी भक्ति ऐसी जागेगी भाई साहब की झूमने लगोगे। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जो शख्स हैं साइकिल पर बैठे, सामने दो दो तिरंगा लगाए हुए, और यहाँ पर श्री जय श्री राम लिखा हुआ, हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ है, और पीछे जय श्री राम लिखा हुआ, भगवा ध्वज लगा हुआ है, और इसके साथ ही ऊपर आपको कृष्ण जी का मतलब मोर का जो पंख है कृष्ण जी का माना जाता है। मुगलों के द्वारा इतना आक्रांत किया गया, मंदिरों को बार बार हर बार ध्वस्त कर दिया गया, हमारे इतिहास को हमारे किसी ने, उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक दिया, ताप गया, जल गया, तो उसके बाद भी ये धर्म जिंदा है, और वो जो तक्षशिला का जो स्थल है वो जिंदा है, इसको भी अंधभक्ति ही कहते हैं, अंधभक्त लोग ही इसको जीवित करके रखे हैं और इसको मानते हैं।
देखिए, इन्होंने लगातार अपने बातों के माध्यम से धर्म के लिए जो बात की, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और सामने आपको देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने तिरंगा, जय श्री राम लिखा हुआ ध्वज, पीछे एक भगवा ध्वज सबको लेकर के, और इसी साइकिल से दिल्ली का, इनका कहना है कि दिल्ली के रास्ते नौबतपुर पहुंचे हैं अयोध्या होते हुए, और बीच में बहुत जगह रुकते हुए आए हैं, और उसके बाद नौबतपुर पहुंचे थे। नौबतपुर में इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का दर्शन किया, और उसके बाद आज यहां से अब ये निकल रहे हैं, मतलब ये पटना में भी मिले, तो सोचा हम इनसे बात कर लें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और सीसीएन न्यूज 24। मैं हूं अंकित भारद्वाज। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।